चलो आज आपको दिखाती हूँ शौर्य सिंह का गेम। मुझे बोल रहे हैं खेलो ना खेलो ना, बट मुझे इनका गेम नहीं पता है कैसे खेला जाता है। तो शौर्य सिंह मुझे बताएंगे कि कैसे खेला जाता है। और शौर्य सिंह अभी ट्यूशन से आए हैं तो थोड़ा सा खेलना इनको ज़रूरी है। कैसे ये गाड़ी है? अच्छा ये दोनों गाड़ी है, ये गैस है और ये बेड है। आप देख सकते हो गाइस ये बेड है और ये गैस है। और कैसे खेलना है? ये गाड़ी, ये है गाड़ी और ये है गाड़ी। हाँ तो खेलूँ कैसे? इसको चलाना है, इसको खींच के इसको चलाना है। तो ऐसे चलाना है आदमी को बैठा के। तो चलो गाइस मैं शौर्य सिंह के साथ थोड़ी देर खेल लेती हूँ, फिर आप लोग से बातें करूँगी। तो देखती हूँ कैसे हमको खिलाते हैं। भूल गई हूँ गेम खेलना, बहुत पहले खेली थी, अब मुझे पता नहीं है कैसे खेला जाता है, क्या खेलेंगे। और अभी आए हैं ट्यूशन से तो थोड़ा इनको खेलना भी बहुत ज़रूरी हो रखा है। और सोमय गई हुई है ट्यूशन और आती है तो आप लोग को दिखाती हूँ सोमय क्या क्या रूल फॉलो करती है। क्या आदमी को बैठाना है? हाँ चलो गाड़ी में मैं आदमी को बैठाती हूँ। चलो पी गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है। मैं अभी थोड़ी सी शौर्य सिंह के साथ गेम खेल ली हूँ और बाहर डाले थे कपड़े, मैं कपड़े ले आई हूँ। अब थोड़ी सी कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ सोम्या सिंह आते हैं ट्यूशन से तो उसके बाद कुछ इन लोगों का नाश्ता का करूँगी प्रोग्राम। तो यही है हमारा लाइफ, ज़्यादा क्या बताऊँ। आज देख सकते हो मैं अपने हस्बैंड का टी शर्ट पहनी हूँ, हस्बैंड का फेवरेट टी शर्ट था। मैं हर कपड़े उनका ही यूज करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनका कपड़ा यूज करना, उनका हर चीज़ मुझे अच्छा लगता है। मैं अभी हर चीज़ उनका रखी हूँ मैं। और थोड़ी सी शौर्य सिंह के साथ गेम खेल ली, ये तो आप लोग को बता दी है ना। और अब कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर सोम्या आती है तो देखती हूँ। गाइस देख सकते हो सोम्या सिंह ट्यूशन से आ गई हैं, इनका रूल फॉलो देखती हूँ क्या क्या करती हैं ये ट्यूशन से आने के बाद। यहाँ रख रही हैं अपना बैग और देखते हैं बैग रखने के बाद ये क्या करती हैं। तो मैं आपको बताऊँगी नहीं, खुद देखती हूँ क्या क्या ये करती हैं ट्यूशन से आने के बाद। तो हो रहा है हैंड वॉश, वहाँ पे कर रही हैं हैंड वॉश, देख सकते हो आप क्या कर रहे हो। देखो गाइस सैनिटाइज कर रही है हैंड को। तो ये दोनों भाई बहन का रूटीन सा बन गया है कि ट्यूशन से आएंगे हैंड वॉश करेंगे सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद अभी सोम्या का कुछ और एक्शन देखेंगे क्या है इनका ट्यूशन से आने के बाद रोज का होता है। शौर्य सिंह को बस टीवी के ही भूखे हुए हैं ये, बिल्कुल पूरे दिन टीवी देखने के लिए बोलो बस देखते रहेंगे। और देखते हैं आगे, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। सोम्य सिंह को आते ही ट्यूशन से लगती है जोड़ों की भूख और यहाँ खा रहे हैं क्या गाइस आप देख सकते हो चूड़ा, चूड़ा फ्राई किया हुआ है। बिहार के लोग चूड़ा जानते हैं और ऐसे बोलूँ तो पोहा है। देख सकते हो आप पीछे पिक दिख रही है, ये मेरी सासू माँ हैं। और क्या ये वही रूटीन चलते रहती है हमारी, ये हमारे जान जो इस दुनिया में नहीं रहे यही है मेरे जान। तो गाइज यही हमारे दो बच्चे हैं जो मेरे दोनों जान हैं, जिनके वजह से मेरा थोड़ा टाइम पास होता है या टाइम मतलब निकल रहा है। इन्हीं लोग में लगी रहती हूँ थोड़ा सा इनका खाने के पीछे या केयर थोड़ा बहुत करती हूँ, जो भी कहो आप उसी में मेरा टाइम निकल रहा है। नहीं तो एक विधवा के साथ जो स्थिति होती है ना उसको निकालना बहुत मुश्किल है बहुत। मैंने किसी का भी ऐसे सुनती थी उसका हस्बैंड एक्सपायर कर गया उसको वो हो गया,
तो मुझे बहुत फील होता था यार, वो लेडीज कैसे रहती होगी, कैसे उसका जिंदगी कटता था। आज मैं खुद यार रह रही हूँ बिना हस्बैंड के। नहीं तो किसी से आप अपना बात शेयर कर सकते हो, नहीं कुछ भी यार। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करता है, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं समझ में आता है। और मेरे हस्बैंड को तो भाई दुश्मनी हुई, दुश्मन लगे, कौन दुश्मन बने, क्यों बने, अभी तक फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं पता चला है। और जिस दिन मुझे पता चल जाएगा, तो खैर मेरे हस्बैंड तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उस दिन मैं दुगना खुश होऊंगी, बहुत ज़्यादा। उस दिन मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, जिस दिन मैं अपने हस्बैंड का कातिल का पकड़ा जाएगा या पता लग जाएगा। पता नहीं, मैं अभी विश्वास पे चल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि पता लगेगा या नहीं लगेगा, बस मुझे ऐसे अपने विश्वास पे हूँ कि हो सकता है कातिल को पता लग जाएगा। और बाकी तो क्या कहूँ यार, कुछ नहीं समझ में आता है। लेकिन कातिल और ये तो सब बकवास है, भगवान का इच्छा था, भगवान ने किया। मेरे तो भगवान से विश्वास बिल्कुल ही उतर गया, बिल्कुल ही उतर गया। मेरे हस्बैंड गाइस बताती हूँ आप लोग को, बिना पूजा किए हुए खाना नहीं खाते थे। जब पूजा कर लेते थे ना, कितना भी लेट हो इनको नाश्ता करने में, बट पूजा कर लेते थे तभी नाश्ता करते थे मेरे हस्बैंड। तो क्या भगवान साथ दे दिया यार, पूजा करने का क्या फल दिया, कुछ वही नहीं। अंधविश्वास है ये सब, कुछ नहीं है भगवान, कुछ नहीं है दुनिया। जिसके साथ जब जो होना रहेगा ना, वही होगा। तो मैं अपने हस्बैंड को वो स्थिति में भी देखी थी ना, तो मुझे लगता था कि ठीक हो जाएंगे। मुझे रियली नहीं पता था कि इतना बड़ा धोखा हो जाएगा मेरे साथ, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि इतना बड़ा धोखा होगा इस जिंदगी में। पता नहीं क्यों हुआ, क्या मैं किसी का क्या बिगाड़ी थी, क्या की थी, कुछ नहीं समझ में आता है, क्यों किया भगवान। तो गाइस चलो आज की ब्लॉग करती हुई एंड। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। मेरे वीडियो पे व्यूज बहुत कम आते हैं, चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग का हेल्प का मुझे ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आप लोग का हेल्प रहा तो मैं अपने हस्बैंड का कातिल को ज़रूर ढूंढ करूँगी। तो अगर मेरा इसमें कोई सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे से कमेंट करके बात करना। चलो यहीं पे करती हूँ ख़त्म। बाय बाय, टेक केयर।